हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसन बार राधे राधे। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल व्लॉग लेके आए हैं। मतलब कि हमेशा तो डिशे या घर के काम वगैरह सब दिखाते हैं, रूटीन वगैरह दिखाते हैं, लेकिन आज बहुत ही अलग स्पेशल व्लॉग है। अलग क्या है, बहुत ही मतलब आपको यूजफुल होने वाला है ये व्लॉग। तो अलग क्या है वो खुद आप लोग खुद देख लीजिए। तो अलग यही है कि दीवारें सारी ख़राब हो गई, नीचे से मतलब सीलन आ जाती है ना, तो ऐसे ही पेंट सारा ख़राब हो गया है। तो हुआ कि चलो इसको थोड़ा सा अच्छा बनाया जाए, तो पहले तो इसकी ढंग से सफाई कर लेते हैं। और मंगाया है हमने वॉलपेपर, तो मीशो से ऑर्डर किया है। तो देखिए पहले तो इसके ढंग से सफाई कर लीजिए, फिर अच्छे से दीवार को सजाना है। तो मतलब ऐसे अगर पेंट करवाना है, कलर करवाना है तो अलग बात है, नहीं तो अगर ऐसे जैसे थोड़ी थोड़ी नीचे से ख़राब हो गई है तो उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो मैंने 319 रुपये का मंगाया है। वैसे फ्लो में मंगा लिया था, मतलब कि जल्दबाजी में, नहीं तो दूसरी जगह पर सर्च किया तो वो 200 कुछ का ही मिल रहा था, तो मुझे 100 रुपये महंगा पड़ गया, पर कोई नहीं, ठीक ही था। तो ये मीशो से ऑर्डर किया है, बाकी अमेजोन वगैरह में भी इससे भी कम में था। तो अपना होता है, क्वालिटी का भी थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, तो क्वालिटी में भी ठीक ठाक ही था। तो ये डिज़ाइन मंगवाया है, तो मतलब नेक्स्ट वाली दीवार से थोड़ा सा मैच कर जाए, ये थोड़ा सा ध्यान दिया है। तो देखिए आप लोग भी देखिए कल लगने के बाद कैसा लगता है, तो अभी तो देख ही सकते हैं कितनी ख़राब दीवार हो रखी है। तो दीवार पहले ऐसे अच्छे से झाड़ लें, क्योंकि सीमेंट भी निकलने लगी थी ना, तो सीमेंट में फिर नहीं चिपकता है, तो बस खाली मतलब कलर ये पेंट रह जाए तभी चिपकता है अच्छे से। अगर सीमेंट निकल रहा है तो उसको अच्छे से साफ कर लें। और इसको मैंने मतलब देखा डिज़ाइन इस तरीके से बनी हुई है कि आप मतलब खड़े खड़े ही लगा सकते हैं, ऐसे मतलब होता है ना लिटा के लंबाई में ही लगा सकते हैं, चौड़ाई में नहीं, तो ऐसे लगाना होता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा कि पहले दिक्कत होगा लगाने में, लेकिन फिर लगता गया, तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ ऐसे लगाना है कि मतलब ऊपर से चिपकाते जाएँ और धीरे धीरे से एक इंसान कोई नीचे से जो स्लिप रहती है नीचे से वो खींचता जाए तो थोड़ा ज़्यादा सही रहता है। और इसको ना हाथ से भी कर रहे हैं तो इसलिए उतना ढंग से लग नहीं रहा है। कोई आप पत्ती वगैरह ले लीजिए, मतलब ज़्यादा नुकीली वाली ना हो, तो उससे बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे कोई ब्लेड वगैरह रखते हो ना, जैसे स्केल वगैरह, तो उससे कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद उसी से करेंगे, क्योंकि पहले आइडिया नहीं था, पहली बार हमने भी मंगाया है तो कुछ आइडिया नहीं होता है कि कैसा होगा कैसा नहीं, लेकिन लगने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो आप लोग भी देखिए कि कैसे लगा रहे हैं। तो अभी थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है क्योंकि हाथ से ही करना पड़ रहा है ना, तो थोड़ा सा चिपकने में दिक्कत कर रहा था और सिकुड़न भी आ जा रही थी। लेकिन जब इन्होंने एक पत्ती से किया, जो कलर वगैरह में नहीं करना होता है, कुछ दीवार साफ़ करनी होती है, तो वो पत्ती लोहे की आती है एक, अगर ज़्यादा नुकीली ना हो, क्योंकि लोहे वगैरह की थोड़ा फटने का डर रहता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा कोई कड़ी दफ्ती वगैरह ही हो तो उससे भी हो जाता है। तो अपना जो भी जुगाड़ देख लीजिएगा, तो उससे ना अच्छे से एकदम बराबर चिपकता है, नहीं तो ऐसे थोड़ा सा सिकुड़न आ जाता है। और इस चीज़ का बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो एक आपने एक साइड का चिपका लिया ना, उसी से नाप के काटना है। ज़रा सा भी ऊपर नीचे होगा ना तो फिर थोड़ा देखने में ख़राब लगता है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ मतलब बराबर में कट कर लें तभी चिपकाएँ। तो ऐसे थोड़ा सा लेवल देखना पड़ता है, और दो इंसान हो तो ज़्यादा सही रहता है, नहीं अकेले में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये देखिए कैसे नाप के काट रहे हैं, तो ज़्यादा कोई मुश्किल का काम नहीं, मतलब पहले तो लगता है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले नहीं समझ में आ रहा था क्या करें कैसे करें, तो फिर लेकिन फिर धीरे धीरे चिपकाते गए तो फिर होता गया। हाँ एक डेढ़ घंटे टाइम लग गया था सिर्फ इतनी सी ही दीवार में, क्योंकि पहले साफ़ करना पड़ा। और देखिए ऊपर ख़राब रखा, लेकिन इसका कुछ नहीं हो सकता, अब इतना नहीं मंगा सकते, तो नीचे ही दीवार जो ख़राब रखी थी उसके लिए मंगा लिया था। बाकी एक साइड की जो दीवार ख़राब थी वो तो अंकल ने ठीक ही कर दिया था, तो इधर का लेकिन काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने के वो करने के बाद। फिर अंकल आंटी को भी बुलाया तो वो भी खुश थे। तो चलिए जी, ये दीवार तो मेरी सज गई है सिर्फ 319 रुपये में। हालांकि थोड़ा सा अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो थोड़ा बचत हो सकती है। मैंने जल्दबाजी होता ना कि खुशी में मंगा लो कि हाँ चलो मंगा के देखते हैं, चक्कर में सर्च भी नहीं किया ज़्यादा, और भी कुछ मंगा रखा है, होता ना खुराफाती दिमाग, जब आप एक बार सर्च करके मंगाना शुरू करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। तो ये बोर्ड के लिए मैंने पांडा मंगा रखे, पांडा स्टिकर, तो वो काफ़ी क्यूट लग रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मम्मी तो देखी तो बोले कि बहुत ही अच्छा लग रहा है,
तो आप लोग भी बताइए। तो चलते हैं नेक्स्ट रूम में, वहाँ की हालत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है। तो यहाँ का पेंट तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, मतलब एक दीवार में वो वाला प्लास्टिक पेंट करवा रखा था ना, लेकिन यहाँ पे सीलन की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। सीलन का एक लोना वाला जो होता है ना वो बहुत प्रॉब्लम करता है, तो वो यही प्रॉब्लम थी। तो हुआ कि चलो मंगा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा कलर डल हो गया, मुझे लगा था पिंक ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा वो लग रहा था अलग सा, तो उतना सा मज़ा नहीं आया मतलब। और ये अमेजोन से मंगाया था तो ये मुझे पड़ा है, अरे डिलीवरी चार्ज ज़्यादा पड़ गया, नहीं तो 400 कुछ का ऐसे मतलब पड़ गया है, तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ गया। और इधर साइड के लिए भी अलग से ही मंगाया, मतलब अमेजोन से ही मंगाया, तो 119 रुपये में 200 मीटर करके था। तो मुझे तीन रोल मंगाने पड़े, तीन रोल में बस एक ही दीवार पे हो गया, थोड़ा कम भी पड़ गया था क्योंकि 200 मीटर ही था, तो फिर कम पड़ गया। ऐसे 400-500 वाला रहता तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो इस साइड के लिए मैंने येलो कलर का थोड़ा सा चूज किया क्योंकि वो दीवार थोड़ी येलो कलर में है ना, तो इस साइड वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये वाला भी हमने मंगाया था 400 के करीब, तो मतलब कि 1200-1300 में मेरा काम हो गया, दीवारें सज गई अच्छे से, तो यहाँ तक ही पहुँचा था। फिर थोड़ा सा कम पड़ गया था क्योंकि वो आइडिया नहीं था, ऐसे हमेशा 400 मीटर मंगाते थे, लेकिन ये 200 मीटर था, इस चीज़ का हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। तो चलिए वैसे हो गया कम, आप लोग बताइएगा कैसा है। आप लोगों को ये ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें खरीद के ना घर थोड़ा सा मतलब लुक उसका चेंज भी हो जाता है, अच्छा भी लगता है देखने को, नहीं एक जैसा दिखने में ना थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। तो कभी कभी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें खरीद के घर को सजा लें और यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। तब तक के मिलते हैं, बाय बाय। तब तक मतलब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।